दिन बाद चुनाव है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का, और यह चुनाव यह तय करेगा कि राजस्थान के और संगरिया के युवाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य, व्यापारी गणों का भविष्य। क्योंकि देश के अंदर दो ही विचारधारा ऐसी है, एक विचारधारा वो है जो जोड़ने का काम करती है, ये गारंटी यात्रा देख रहे हो आप, इसके अंदर इस बार कांग्रेस की घोषणा नहीं है, इस पर सात गारंटी है। परिवार में महिला जो मुखिया है उसको 10,000 रुपए देने का काम हो, गोधन की योजना, परिवार में जो पशुपालन करते हैं उनके जो गोबर है उनको 2 रुपए किलो खरीदने का गोधन है, वो राज्य सरकार करेगी। चिरंजीवी योजना, 25 लाख बीमा की योजना हो, युवाओं के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिक्षा फ्री, उनके लिए संसाधन, लैपटॉप, स्कूटी फ्री, 7 योजना, बीमा गारंटी हो, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर हो, किसानों को सुरक्षित रखने को लेकर हो, आम जन परिवार के भविष्य को लेकर हो, इसको लेकर यह यात्रा आज संगरिया के अंदर हमारे बीच आई। और निश्चित तौर पर इस गारंटी के आधार पर इस बार संगरिया का आम जन, किसान, युवा, व्यापारी, मजदूर कांग्रेस को लाने का काम संगरिया विधानसभा में करेगा। पिछले 10 वर्षों से भाजपा का प्रतिनिधित्व तो यहां पर रह रहा है, ये बता दो भाजपा का जो उन्होंने व्यापारी, किसान, गरीब और युवा के हित में किया है, एक काम जो वादे भाजपा के नेता करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके नहरों के लेवल सही कर देंगे, आपके मोगों का काम होगा, युवाओं को हम रोजगार देंगे, सफेद पाउडर से मुक्त करवा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बार भी यहां के प्रतिनिधि ने कभी इन मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन से बात भी की क्या? एक बार भी बात की क्या कि यह मुद्दा हमारे बीच है? आज से 6 महीने, 1 साल पहले शहर के अंदर कभी हत्या, कभी व्यापारी को लूटना, कभी चैन छीन कर ले जाना, ऐसी घटनाएं आम हो गई है। इसके रोकथाम के लिए एक बार भी स्थानीय प्रतिनिधि बैठा के धरने पर आपके बीच कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने सेवा करने के लिए जो प्रत्याशी भेजा है, 12 साल से संगठन में मैं काम कर रहा हूं, साधारण किसान परिवार का लड़का हूं, यहां पर सरकारी महाविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, तो पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला गया और जयपुर में पढ़ाई करते करते राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़ा, एनएसयूआई की विचारधारा, यूथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, एनएसयूआई में प्रदेश में अध्यक्ष का मौका मुझे राजस्थान के युवाओं ने दिया, पार्टी ने दिया, 5 साल तक बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी के वसुंधरा राजे की सरकार को घेरने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया। रोजगार के भविष्य की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसान के सहूलियत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, व्यापारी के सहूलियत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन आप लोगों को मजबूत करके जयपुर आप लोगों को भेजना पड़ेगा, नहीं तो कहते कि राज हमारा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो विधायक होता है वो अपनी विधानसभा का प्रथम व्यक्ति होता है, राज हो चाहे नहीं हो उसका राज हमेशा रहता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई करने गया, साधारण किसान परिवार का हूं, किसी का नुकसान आज तक मैंने किया नहीं, और किसी की व्यापारी की गाड़ी में अफीम रखने का काम तो मैं कर नहीं सकता,
अब आप सोचो कि एक दुकानदार 20-40 की जो अपना सुबह आता है और शाम को जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अब 20-40 की हनुमान मंदिर के ट्रस्ट की दुकान को छुड़वाने के लिए आप उस व्यापारी को NDPS का केस अफीम रखवा के कसवाओ, ये कहां उचित है कहां न्याय है? अगर ये न्याय है, अगर ऐसे सत्ता में आना है तो संगरिया यूपी बिहार जैसी स्थिति संगरिया शहर और टिब्बी शहर के अंदर हो जाएगी, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैं तो व्यापारी बंधुओं से, किसान बंधुओं से, युवा साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में उस विचारधारा को चुने, उस पार्टी को चुने, उस व्यक्तित्व को चुने जो आपकी लड़ाई को मजबूती से यहां और जयपुर और दिल्ली के अंदर लड़ सके। दोबारा कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा और जिस तरीके से पिछले 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विकास के कार्य करके इस विकास की गाड़ी को चलाकर चौथे पैर में लाने का काम किया है, इस चुनाव में आप दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाकर इस राजस्थान के इस विकास की गाड़ी को 5वें डेर में लगाने का काम करेंगे ताकि जो ये 7 गारंटी जो गारंटी यात्रा आज आप यहां से शुरू की है, ये 7 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के जनता के सामने दी है, वो 7ों की 7ों गारंटी पूरी करने का काम करेगा। और मैं दावे के साथ, मुझे बहुत जानकर बड़ा खुशी हुई कि जहां राजस्थान को हम पहले पिछड़ा प्रदेश कहा करते थे, पंजाब और राजस्थान को विकास में सबसे ज्यादा आगे माना करते थे, और जब मैंने आंकड़े निकाल कर देखे तो बहुत अचंभे के साथ कि राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां विकास दर 11.5% है, 11.5%, और जहां मोदी अपने आप को वाहवा लूटने की कोशिश कर रहा है, देश की विकास दर जहां 7% है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने 11.5% के दर से विकास करने का काम किया है। ये पहला प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर, पहला प्रदेश जहां 500 रुपए में गैस, गरीब को गैस सिलेंडर देने का काम किया। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां देश ने संसार के अंदर भी किसी प्रदेश के अंदर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का काम कोई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां शहरी गारंटी योजना इस कांग्रेस सरकार ने लागू की। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां हर जिले पे मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां हर जिले पे नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का काम किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और हम क्या चाहते हैं? अगर कांग्रेस का गलती कर ली, जिस तरीके से गाड़ी स्पीड से चल रही हो और सड़क पे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी को फिर आपको फर्स्ट गियर में लाना पड़ता है। अगर बीजेपी आ गई तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करेगी, जो विकास के काम राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किया है उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए दूसरा मैं एक दावे के साथ कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, जिन्हें बहुत सारी स्कीम साडे लिए लागू की थी, इतनी सारी मावां भैणां भी बैठी हैं, कितना स्कीम साडे लिए लागू की थी है, बीजेपी सरकार तो अदा नहीं कर सकती। एक चीज मैं तुम्हें और दस देती है कि सानू एक चीज कदे भी नहीं भूलनी चाहिए, है कि अपने को बहुत बड़ा हथियार है साथियों, एक वोट, वोट नाल अपना मार के कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना है, अपनी लड़ाई संगरिया की नहीं है भाई, अभिमन्यु की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई अपनी होद की है, लड़ाई अपनी फसल की है, लड़ाई अपनी नस्ल की है साथियों, अपनी आने वाली युवा पीढ़ी की है,
अभिमन्यु पुनिया जी और उनकी आज इस चुनावी सभा में उनको आशीर्वाद अपना सहयोग समर्थन देने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, पंजाब से पूर्व मंत्री रेणवा साहब और सम्मानित मंच, आप सब यहां इस गारंटी यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे युवा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक सप्ताह का समय बचा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, आपके भविष्य का चुनाव आपके सामने है। जो लंबी चौड़ी राजनीतिक तकरीरें रहेंगी आदरणीय केवी सिंह जी आपको बताएंगे, वो हमारे सीनियर हैं, पर कुछ चंद बातें हैं। अभिमन्यु पुनिया से 10 साल का संगठन का और दोस्ती का नाता रहा। जब अभिमन्यु पुनिया जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के महामंत्री बने, उस समय में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। तब से लेकर आज तक निरंतर, चाहे राजस्थान के युवाओं के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे वो जयपुर में उठाने की बात हो या दिल्ली के संसद के सामने संघर्ष करने की बात रही हो, आपका भाई, आपका बेटा इस हुक्मरानों के सामने लड़ता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में एक युवा को, एक शिक्षित को और एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना के भेजा है जो आपका विधायक बन के नहीं, आपका भाई, आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेगा। उसका भविष्य सुनिश्चित कीजिएगा। एक एक मतदान आने वाली 25 तारीख को जो भाई अभिमन्यु पुनिया को विधायक बनाने का काम करेगा, वो वास्तव में आपको स्वयं में विधायक बनाने का काम करेगा। और दूसरे लोग आपके बीच में आएंगे। मैं हरियाणा से आता हूं और मैं जानता हूं ये कृषि का क्षेत्र है। आप उस चीज को मत भूलना कि कौन वो लोग थे जो हमारे चाचा ताऊ वहां सवा साल तक बारिश में, धूप में, किसान आंदोलन में वहां संघर्ष कर रहे थे और उनको आतंकवादी बताने का काम ये भाजपा के लोग कर रहे थे। हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुत माताएं बहनियां हैं, 3 महीने तक वहां पर संघर्ष करती रही वो पहलवान बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया था और एक भाजपा नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, किस तरीके से उन बहन बेटियों का अपमान करने का काम इन भाजपा के नेताओं ने किया था। एक विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आपके पास इस तरीके से भी आएंगे वोट मांगने को कि उनको दिया हुआ वोट इनडायरेक्ट रूप से भाजपा को दिया हुआ माना जाएगा। इसलिए आपको इस चुनाव की इम्पोर्टेंस को समझना है और अपना एक एक मत, आपके बूथ का एक एक मत इस युवा साथी आपके प्रत्याशी भाई अभिमन्यु पुनिया को देना है। निश्चित ही आपका वोट इनकी भारी विजय को सुनिश्चित करेगा और इस संगरिया में आने वाले 5 साल में विकास की नई गाथा लड़ेगा। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। किशन जी सारी वाला